गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रीति कोहली विल बी कंटिन्यू चैप्टर 9 लाइफ इन टाउन्स एंड विलेजेस। टुडे वी विल टेक आवर टॉपिक राइज ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। द न्यू सिटीज दैट अरोज इन इंडिया अराउंड 6th century BCE बीसी वर सपोर्टेड बाय किंग्स एंड ट्रेडर्स। जो नए नए शहर भारत में जिनका उदय हुआ था वो 6th centuries के लगभग हुए थे और उनको राजाओं और ट्रेडर्स का बहुत सपोर्ट मिला था। मैनी ऑफ दीज वर कैपिटल्स ऑफ महाजनपद सच एज पाटलिपुत्र, उज्जैनी एंड श्रावस्ती। इनमें से बहुत सारे ऐसे कैपिटल्स थे महाजनपद की, जैसे पाटलिपुत्र है, उज्जैनी है और श्रावस्ती। कैपिटल सिटी ऑफ द पांड्या रूलर्स ऑफ तमिलनाडु वॉज मदुरई एंड इट वॉज नॉट ओनली पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट बट ऑल्सो कॉमर्शली सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ बीइंग फेमस फॉर इट्स कॉटन टेक्सटाइल। जो ये कैपिटल सिटी थे पांड्य रूलर्स के तमिलनाडु में, वहाँ पर मदुरई और तमिलनाडु थे जब यहाँ के पांडे रूलर्स राज करते थे, और ये जो पॉलिटिकली या राजनीतिक रूप से इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन कॉमर्शली इनका सिग्निफिकेंस जो था कॉटन टेक्सटाइल के लिए ये फेमस थे। सम सिटीज़ वर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे वर थ्राइविंग पोर्ट्स टाउन लाइक आरिकेमेंदु इन पांडिचेरी, कावेरीपट्टिनम इन तमिलनाडु एंड बारूची इन गुजरात। ये जो सिटीज़ थे इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट टाउन्स थे जो आरिकेमेंदु, पांडिचेरी, कावेरीपट्टिनम इन तमिलनाडु एंड बारूच इन गुजरात। देयर वर टाउन्स विच बिकेम इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे वर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ऑन इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स रूट्स लाइक मथुरा इन उत्तर प्रदेश, अमरावती एंड नागार्जुन कोंडिका इन आंध्रा रीजन। यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है ये रूट मथुरा और उत्तर प्रदेश में मथुरा, अमरावती और नागार्जुन कोंडिका आंध्रा रीजन में। नाउ वी टेक दिस टॉपिक अर्बन पॉपुलेशन। फ्रॉम द लिटरेरी सोर्स एंड इंस्क्रिप्शंस वी कम टू नो दैट द किंग्स एंड द रूलिंग क्लास लिव्ड इन सिटीज। लिटरेरी सोर्स और इंस्क्रिप्शंस से हमें पता चलता है कि राज्य और जो यहाँ की रूलिंग क्लास थी सिटीज़ में रहती थी। द फाइन बाउल्स एंड डिशेस फाउंड इन सिटीज माइट हैव बीन यूज्ड बाय दीज रिच पीपल हु लिव्ड इन दीज सिटीज। जो फाइन बाउल्स थे या डिशेज थी वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं जो हमें इन शहरों में मिलते हैं, लोगों के द्वारा यूज़ किए जाते थे। मैनी ऑर्नामेंट्स फाउंड फ्रॉम एग्जीबिशन वर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेल एंड टेराकोटा। बहुत सारे ऐसे ऑर्नामेंट भी हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं जो गोल्ड के, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेल एंड टेराकोटा के बने हुए हैं। They also indicate that a rich, prosperous class of people lived here. ये यहाँ पर रिच prosperous या अमीर समृद्धशाली क्लास के लोग यहाँ पर रहते थे। From the inscriptions and the literary sources we come to know that artisans and craftsmen like weavers, carpenters, porters, गोल्ड स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स एंड प्रोफेशनल्स लाइक टीचर्स एंड ऑफिशियल्स ऑल्सो लिव इन दीज सिटीज। इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस थे हमें यहाँ के आर्टिशंस और क्राफ्ट्समैन जैसे वीवर्स हैं, कारपेंटर हैं, पोर्टर्स हैं, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ और जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे टीचर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन सब के बारे में इन शहरों के जो शहर में रहते थे उनके बारे में पता चलता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन वर द मर्चेंट्स एंड
ट्रेडर्स एंगेज्ड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन था इस पर अर्बन पॉपुलेशन का, वो मर्चेंट और ट्रेडर्स थे जो इंगेज होते थे ट्रेडर एक्टिविटी में, गिल्ड्स और श्रेणीज। अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दीज टाउन्स एंड सिटीज वॉज दैट मैनी क्राफ्टमैन एंड मर्चेंट्स फॉर्म्ड एसोसिएशन कॉल्ड श्रेणी। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन शहरों और कस्बों की विशेषता थी वो ये थी कि क्राफ्टमैन और मर्चेंट ने छोटी छोटी एसोसिएशंस बना रखी थी जिनको हम श्रेणीज कहते थे। द श्रेणीज और गिल्ड हेल्प द क्राफ्टमैन बाय प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स फॉर देम। जो श्रेणीज और गिल्ड थे ये क्राफ्टमैन की हेल्प करते थे, उनकी मदद करते थे। कभी कभी क्या होता था कि ये जो ट्रेनिंग दी जाती थी उनको कुछ सामान को बेचने में जो उनकी मदद की मिलती थी उन्हें। श्रेणीज और गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज्ड द ट्रेड। द गिल्ड आल्सो हेल्प बाय गिविंग लोन टू द क्राफ्ट्समैन और मर्चेंट्स। दस द श्रेणीज और गिल्ड्स वर अ ग्रेट सोर्स ऑफ सपोर्ट टू द क्राफ्ट्समैन और मर्चेंट्स हु केम टू द सिटी। जो श्रेणी और गिल्ड्स थे ये लोगों को बहुत सपोर्ट देते थे, लोगों को जो क्राफ्टमैन थे उनको, मर्चेंट्स को बहुत सपोर्ट देते थे और शहरों में जो भी आते थे उनको उनसे सपोर्ट मिलता था। नाउ वी टेक अवर टॉपिक ट्रेड्स एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य। फ्रॉम द 6th century BC ट्रेडर्स यूज लैंड एंड रिवर्स रूट्स एंड went from place to place buying and selling their products. There were several kind of traders including peddlers who traveled on foot and merchant who traveled with caravans. यहाँ पर 6th century BC में traders भी sea route या नदियों के रास्ते से आते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने product को बेचने के लिए, और ये सेवरल तरीके से ट्रेडिंग करते थे। इनमें पैडलर्स भी होते थे, ट्रेवल्स करते थे जो मर्चेंट पैदल या कारवां के साथ यात्रा करते थे वो लोग भी होते थे। देयर वर मोर एडवेंचरस ट्रेडर्स ऑल्सो हु सेल्ड द डिस्टेंट लैंड। इनमें से कुछ ऐसे एडवेंचर ट्रेडर्स थे जो सेल करते थे दूर कुछ दूरी की भूमि पर। Now we take our topic coins. Traders prospered in this period due to the introduction of coins. These coins were called punch mark coins because the designs were punched on the coins made of silver or copper. Traders कुछ ऐसे coins को introduction करवाया था उन्होंने जिनको पंच मार्क कॉइन्स के नाम से जाना जाता था, और ये डिफरेंट डिजाइंस के होते थे और ये सिल्वर और कॉपर के बने होते थे। नाउ वी टेक अवर टॉपिक केस स्टडी मथुरा। अ रिलीजियस सेंटर, मथुरा एक रिलीजियस सेंटर था। वहाँ का लोकेशन में इम्पॉर्टेंट क्रॉस रोड में ट्रेड कनेक्टिंग था नॉर्थ और ईस्ट, साउथ इंडिया से इसका ट्रेड कनेक्शन था। और यहाँ पर जो लोकेशन थी मथुरा की, और वो सेंटर फाइन स्कल्पचर्स आर्ट स्कल्पचर्स के पाए जाते थे, इसका ये केंद्र था। द यूनिक स्टाइल ऑफ आर्ट और मथुरा इज कॉल्ड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। मथुरा आल्सो वाज एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर अपार्ट फ्रॉम बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ हिंदू गॉड कृष्णा। देयर वर मैनी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एंड जैना श्रेणीज इन द सिटी। फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस फाउंड एट मथुरा वी फाइंड दैट पीपल ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशन लिव्ड इन दिस सिटी लाइक वीवर्स बास्केट मेकर्स गोल्ड स्मिथ ब्लैक स्मिथ एक्सेट्रा। आरिकमेंडू अ कोस्टल टाउन। आरिकमेंडू एक ऐसा कोस्टल टाउन था जो कि बीड मेकिंग के लिए प्रसिद्ध था, जो पांडिचेरी के कोस्टल टाउन पर स्थित था। और यहाँ पर जो ट्रेड रिलेशन था डिस्टेंट लैंड पर ट्रेड किया जाता था। रोमन लैम्प ग्लासवेयर जेम पॉटरी फाउंड हेयर इंडिकेट दैट देयर वर रेगुलर ट्रेड कॉन्टेक्ट बिटवीन द ट्रेडर्स ऑफ आरिकमेडू
ऑफ रोमन एम्पायर. ट्रेड वॉर विद रोमन एम्पायर ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी फॉर द टाउन. गुड्स सच एज ऑलिव ऑयल एंड वाइन वर इम्पोर्टेड एट आर्किमेडू. वाइल टेक्सटाइल बीड्स सेमी प्रेशियस स्टोन एंड ग्लास वायर ऑफ अ वेराइटी वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द पोर्ट. नाउ वी टेक अवर टॉपिक. केवरीपट्टनम तमिलनाडु अ कैपिटल टाउन. जो संगम टेक्स का सिंगम टेक्स का जो केवरीपट्टनम जो कि पुहार में इस सिटीज़ की इंफॉर्मेशन देने के लिए काफ़ी था. ये संगम साहित्य से हमें इसकी जानकारी मिलती है. दिस सिटी इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एट द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ रिवर कावेरी इनटू द बे ऑफ बंगाल. द बिग शिप यूज्ड टू ब्रिंग द मर्चेंडाइज गुड्स फ्रॉम डिस्टेंस प्लेस एंड एंटर द पोर्ट विदाउट एनी हार्ड एफर्ट. अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट मार्केट केवरीपट्टनम वॉज सराउंडिंग बाय प्लेटफॉर्म. दीज प्लेटफॉर्म हैव टॉल मेंशंस ओवर देम मेड अप ऑफ वाइड हॉलवेज एवियंट कॉरिडोर्स एट द सेम टाइम एल्सवेयर. जस्ट लाइक द सिटीज ऑफ इंडिया देयर वर सेवरल सिटी स्टेट्स इन ग्रीस. फेमस अमंग देम वर एथेंस स्पार्टा कॉरिंथ एंड थेबेस. सम ऑफ द दीज स्टेट्स लाइक इनमें से कुछ जो स्टेट्स थे वो जैसे एथेंस और कॉरिंथ प्रॉस्पर थे समृद्धशाली.